देख लो ये तुम्हारे लिए 56 नंबर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रिपीट करता है। क्या ये 1 + y² ((1 + log x) (dx) + (x) (dy) = 0 क्या ये x इधर ला और ये y का टर्म उधर नीचे लो 1 + log x / x है dx ये dy बाय 1 + y² है ये 1 / x + क्या था ये log x / x है ये dx प्लस ये dy बाय 1 + y² = 0 क्या ये 1 / x के लिए log x इसको t बोल दो ये dt आता यानी t/t dt है व्हाट क्या था ये t² ये log x को t बोल दो ये 1 / x dx यानी dt आता यानी t आता ना t का क्या होता है t² / 2 + 1 tan y = 0 देखो ये क्वेश्चन भी सही है बराबर है ना क्या ये when x = 1 and y = 1 क्या ये log(1) यानी 0 अरे log(1) यानी व्हाट ये 0 आता ये 0 आता log(1) यानी 0 ये 0 कितना ये tan(1) = c यानी c = π/4 यहां पर है c = π/4 c = π/4 ओनली ऑप्शन नंबर ए यहां पर है ना π/4 बाकी एज इट इज ऑप्शन नंबर ए हां ऑप्शन नंबर ए देख लो 56 के लिए 57 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 57 हाँ देख लो हाँ क्वेश्चन नंबर 57 के लिए क्या है देख लो हाँ हाँ व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 57 के लिए देख लो क्या है 57 के लिए क्वेश्चन नंबर 57 हाँ डी वाई बाय डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वन इनटू पाई यानी व्हाट dy by y equal to a raise to x plus 1 into dx है क्या था ये 1 dy by y यानी व्हाट dot y equal to a raise to x 1 के लिए x plus है ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आओ 58 यानी व्हाट tan y dx प्लस सेट स्क्वेयर वाई टेन सेट ये क्या है डी एक्स इक्वल टू जीरो है ये वाई के टर्म्स एक साथ लो एक्स के टर्म एक साथ लो वाई इधर लो एक्स इधर लो क्या था ये डी एक्स बाय टेन एक्स प्लस सेट स्क्वेयर वाई डी वाई बाय टेन वाई इक्वल टू जीरो हाँ क्या है ये 1/10 यानी 1/10 यानी व्हाट cot x dx इंटीग्रेशन लो ये t बोल दो ये dt आता ना ये dt by t इक्वल टू 0 cot के लिए log of sin x 1/t यानी log t यानी log of tan y इक्वल टू log of c हाँ क्या है हमारे पास कुछ वैल्यू है हाँ देख लो 58 के लिए हाँ क्या है ये sin x a plus n into ये tan y इक्वल टू c ये है ऑप्शन नंबर डी 58 के लिए देन 59 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 के लिए क्या है देखो 59 के लिए बात क्वेश्चन नंबर 59 हाँ क्या है ये 3 × e^2x tan y dx + 1 + e^2x sec² y dy = 0 क्या है ये हाँ ये 3 × e^2x / 1 + e^2x dx से x को इधर ला y को उधर लो सेट स्क्वेयर y बाय tan y dy है ना ये इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है tan का डेरिवेटिव सेट स्क्वेयर ऊपर है यानी व्हाट
g into log of 1 plus e raised to x plus log of tan y equal to log of c. देख लो x equal to 0 x ये क्या है हमारे पास ये log of 1 plus e raised to x into a tan y equal to log of c. हाँ क्या ही है x equal to 0 1 plus e raised to 0 यानी 1 tan y है ना, tan क्या है tan y के लिए वैल्यू 0 equal to ये c का वैल्यू 0 आता c equal to 0 c equal to 0 यानी what 1 plus e raised to x into tan y. इसका क्या है ये पावर ये ऊपर जाता यानी ये क्यों ये क्यों है equal to देख लो क्या है equal to क्या है हमारे पास ये equal to 0 option number A 59. Then 60 के लिए हमारा question number 60 हाँ देख लो question number 60 क्या है क्वेश्चन नंबर 60 के लिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लो क्या है tan y dy by dx sin x plus y plus sin x minus y है यह ना ये sin c plus sin d tan y dy by dx sin c plus sin d equal to sin ये c plus d c plus d यानी what y into into cos of क्या ये x plus y minus x plus y y है ना, तो into देख लो क्या ये यहाँ पर कैंसल होता ये यहाँ पर कैंसल होता ये क्या ये tan y dy by dx sin c plus sin d के लिए है, तो into क्या ये sin x into क्या है cos y है sin x into cos y. हाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या ही है देख लो, हाँ क्या है देख लो डी वाई के लिए क्या है tan y y cos y into dy तो sin x into dx है क्या था ये tan x tan y into 1 by cos ये tan y 1 by cos 1 by cos यानी sec y है tan y 1 by cos यानी sec y है ये dy equal to 2 into sin x dx है क्या ये tan into sec के लिए sec y 2 into sin के लिए minus cos x है minus cos x plus c है ये है 2 cos x है 2 cos x plus sec y 2 cos x plus sec y equal to c ऑप्शन नंबर बी ये है ऑप्शन नंबर बी. देन 61 के लिए ऑप्शन नंबर 61 ये 60 था ये 60 था क्वेश्चन नंबर 61 के लिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है 61 के लिए cos ऑफ x प्लस y cos ऑफ x प्लस y dy इक्वल टू क्या है ये dx है x प्लस y है x प्लस y आने के बाद कंपल्सरी है cos ऑफ x प्लस y है ये क्या होता है ये सुविधा लो dy by dx इक्वल 1 by cos ये नीचे आता है 1 by cos 1 by cos x प्लस y 1 by cos यानी sec x प्लस y अब फिर क्या है ये x प्लस y इक्वल टू v x के लिए 1 dy by dx इक्वल टू क्या था ये dv by dx है ये 8 नंबर ये 2 नंबर ये 3 नंबर हाँ सब्स्टिट्यूट कर लो ये सब्स्टिट्यूट कर लो 1 क्या आता है ये dy by dx यानी व्हाट dv by dx minus 1 equal to sec तो क्या ही ये v यानी क्या ही ये dv by dx के लिए sec v plus 1 क्या आता है ये dv by ये ना इसका आंसर ले लो 1 by cos v plus 1 तो कितना आता है ये है ये 1 by cos देख लो बराबर क्या आता है 1 by 1 by cos 1 plus cos 1 plus cos है ना यहाँ पर उसको ऐसा नीचे ले उसको 1 plus cos v by cos है equal
इक्वल टू ये क्या आता डी एस। देख लो ऑप्शन कौन से फॉर्म है, ऑप्शन कौन से फॉर्म में है क्या देख लो। क्या ये क्वेश्चन नंबर 161 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 61 के लिए देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 61 है। देख लो क्या आता है यार, जस्ट मैं ड्रॉ इसको क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के लिए देख लो क्या है था? क्या था ये क्रॉस बी बाय 1 + cos b बराबर है 1 + cos sin और cos आने के बाद 1 + -sin cos आने के बाद रैशनलाइजेशन cos v into 1 - cos v बाय a + a - 1 - cos² यानी व्हाट sin स्क्वायर आता sin स्क्वायर v है ये इक्वल टू dx है। तो क्या था ये 1 / sin cot v 1 / sin यानी cosec v है cosec v देन माइनस ये cos स्क्वायर बाय क्या था ये cos स्क्वायर देख लो ये cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर यानी कितना था ये cot स्क्वायर v डिग्री इक्वल टू a dx। क्या है फिर ये cosec * cot यानी क्या था ये माइनस cosec v cosec * cot है नहीं माइनस cosec v cosec v यानी व्हाट dx + y माइनस cot यानी व्हाट cot स्क्वायर के लिए cosec स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cot x + y 1 यानी + v v यानी x + y इक्वल टू 1 के लिए ये x है। देख लो बराबर ये cot स्क्वायर v cot ये बराबर देख लो हां ये प्लस माइनस है नहीं cot स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर माइनस 1 cosec स्क्वायर के लिए cot x + y cosec स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है ये माइनस माइनस प्लस 1 के लिए v v यानी x + y 1 के लिए ये x है प्लस इक्वल टू c ये ऐसा देख लो काम कर रही है। अब अगेन इसको सॉल्व करो आप अगेन उसका उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू नीचे क्या है ये तो साइन एक्स प्लस वाई बाय टू इनटू क्रॉस एक्स प्लस वाई बाय टू प्लस वाई इक्वल टू सी ये साइन कैंसिल होता एक साइन कैंसिल साइन का पास है टैग है ना माइनस टैन एक्स प्लस वाई साइन वाई कॉस एन टैन माइनस टैन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी यानी ऑप्शन नंबर बी है। देख लो ऑप्शन नंबर बी बाद में क्वेश्चन नंबर 62 के लिए हाँ क्वेश्चन नंबर 62 देख लो क्या है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 62 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स है ये आता ये इंटीग्रेशन 1 के लिए y के फर्स्ट एज इट इज सेकंड के लिए x स्क्वायर बाय 2 पहले का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन ये एक कैंसिल होता ना तो क्या ये y इक्वल क्या ये x स्क्वायर बाय 2 इनटू लॉग x माइनस अगेन x स्क्वायर बाय 2 को द 4 प्लस देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स स्क्वायर बाय टू आइए हाँ देख लो बराबर थोड़ा प्रिंट आया एक्स रेस टू 4 यहाँ पर क्या होता है ये इंटू है यू इंटू भी है ये यू इंटू भी यानी ऐसा आता है एक्स स्क्वायर बाय टू लॉट एक्स माइनस ये ऐसा होना ऑप्शन नंबर डी में देख लो हाँ ये प्लस ना इंटू है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 के लिए डी ऑप्शन 63 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 63 के लिए एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होना ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है ना। ये देख लो ये थ्योरी में क्वेश्चन है कैसा करना है इसको पुट करो एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी ये ऐसा ले लो कि इसको एडजस्ट करो एक्स यानी 1 वाई यानी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स है ये तीन नंबर
अब इसको क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वन माइनस डी वी बाई डी एक्स है हाँ इक्वल टू क्या है ये ए स्क्वेयर बाय क्या है ये वी स्क्वेयर तो कितना आता है ये वन माइनस ए स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स यानी वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स फिर डी एक्स इक्वल टू क्या आता है ये by dx
इक्वल टू क्या है ये यहाँ पर वन प्लस बी, ये माइनस बी, माइनस बी स्क्वेयर माइनस वन प्लस बी बाय बी प्लस वन, कैसा होता नहीं देख लो, ये माइनस बी बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, बाद में इसको एडजस्टमेंट करो आगे अगेन वहां पर सॉल्व करो आगे क्या आता है ये देख लो। अब आइए यस ये बी प्लस वन वन माइनस बी स्क्वेयर डी बी और डी एस के लिए डी एस बाय एक्स है, बी स्क्वेयर का रिजल्ट क्या आता नहीं ये बी बाय वन माइनस बी स्क्वेयर प्लस वन बाय वन माइनस बी स्क्वेयर है नहीं ऐसा, ये डी बी इक्वल टू डी एस बाय एक्स, ये इतने हिंदी इतने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ये फॉर्म में थोड़ा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखो। इसके लिए तुम्हारे पास ये है ऑप्शन नंबर सी, इसको आगे सॉल्व करो हाँ, इतना लेंगे क्वेश्चन आता है लेकिन कोई मालूम है तो मेथड है सी ऑप्शन। देन 67 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 के लिए 67 नंबर का जो क्वेश्चन है तुम 64 एज 64 के जैसा होमवर्क करो हा, 67 के लिए ये इसके लिए तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कंपल्सरी, ये वाई बाय एक्स इक्वल टू वी बोल दो यानी वाई इक्वल टू वी एक्स, बाकी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स के लिए वन एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स के सेम में था, ये यहां से तुम आएंगे नहीं वो पूरा आगे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स इंटू वी एक्स टू वी माइनस वाई यानी वी एक्स राइट, देन प्लस एक्स यानी डी वाई बाय डी एक्स एन वॉट वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या है ये जीरो, फिर क्या आता है ये देख लो एक्स इंटू वी एक्स टू वी माइनस वी एक्स प्लस एक्स वी प्लस एक्स स्क्वायर डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये आंसर क्या आता है एक्स वी एक्स टू वी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वी बाय डी एक्स, ये कैंसल, फिर क्या आता है ये माइनस डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू ए एक्स टू माइनस बी डी वी है, देख लो एडजस्टमेंट करो बराबर है, ये है तुम्हारे लिए देख लो कैसा था ये माइनस यानी वो लॉग ऑफ एक्स ए एक्स टू माइनस बी बाय माइनस वन है, ये प्लस क्या था सी आता देख लो ये कौन से फॉर्म में है ना, ये लॉट ऑफ इसको लॉट में ना, इसके लिए और एक बार यहाँ पर लॉट यूज करो आज माइनस साइन माइनस माइनस प्लस प्लस आता ये माइनस सी को प्लस सी बोल दो, ये और एक बार मैं लॉट लगाता लॉट ऑफ लॉट एक्स है इरिस में ना लॉट ऑफ लॉट एक्स, ये इरिस तो जो वी है वी यानी वन माइनस वाई बाय ये आता नहीं, ये इधर लॉट लगाने के बाद क्या आता है ये वाई बाय एक्स आता, इधर लॉट लगाने के बाद ये भी आ गया था प्लस सी सकता एक्स इंटू क्या ये वाई इक्वल टू, ये साइड चेंज करने के बाद ये माइनस इधर लो माइनस रखा तो भी चलेगा, ये माइनस इधर आता है नॉट माइनस एक्स लॉट ऑफ लॉट एक्स है, यानी ये कंपल्सरी है ना, यहां पर ओनली ए ऑप्शन में ओनली ए ऑप्शन में, देन 67 क्वेश्चन सॉरी 68 के लिए क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 68 तो होमवर्क करो सेम टाइप में, उसके लिए ऑप्शन नंबर सी है, वहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन है ये 2/2 इक्वल टू सी ऑप्शन नंबर सी है, देन 69 के लिए क्वेश्चन नंबर 69 इतने डेली क्वेश्चन पॉसिबल है तो भी ट्राई करो, ये बहुत हुआ 68 ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कुछ आते हैं तो भी तुम ट्राई करो, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बाद में क्वेश्चन नंबर 70 ये क्वेश्चन नंबर 68 सेम एडजस्टमेंट करो
ये y को क्रिएट्स ए ट्यूबलेट सी ऑप्शन में थोड़ा परेशान है, स्क्वायर की जगह पर क्यूब ले लो और 68 9 ट्राई करो पॉसिबिलिटी टर्म का। देन 70 के लिए हम ऑप्शन नंबर 70 के लिए क्या है, 70 के लिए dy/dx इक्वल टू x माइनस y y x प्लस y ऑप्शन नंबर 70। हाँ ये डिवीजन में है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, कंपल्सरी y इक्वल टू vx होना, यानी dy/dx इक्वल टू v इनटू x के लिए 1 x इनटू dv/dx। ये है फर्स्ट वन, ये है सेकंड वन, ये है थर्ड। हाँ v प्लस x इनटू dv/dx है इक्वल टू x इनटू vx, x प्लस है सीरीज। हाँ क्या आता ये x इनटू dv/dx, जो ऊपर नीचे से x कॉमन लो 1 माइनस वी और ये 1 प्लस वी यानी माइनस वी आता क्या, ये x इनटू dv/dx 1 माइनस वी माइनस वी माइनस वी स्क्वायर बाय 1 प्लस वी है। देख लो ये माइनस वी और ये माइनस वी स्क्वायर x इनटू क्या है ये dv/dx ये माइनस वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस यानी प्लस वन राइट। आप देख लो क्या है बाय वी प्लस वन यानी वॉट, ले लो एक साइड में क्या आता है वी प्लस वन बाय वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन इधर माइनस डी एक्स डी एक्स बाय एक्स देखा। अब ये इसका डेरिवेटिव है ना ऊपर वी स्क्वेयर यानी वॉट टू वी, मैं दो से मल्टीप्लाई कर टू वी प्लस टू बाय वी स्क्वेयर प्लस टू वी माइनस वन ये डी वी आता है ये माइनस ये डी वी इक्वल टू क्या है माइनस डी एक्स बाय एक्स इधर भी दो इधर भी दो यूज करो। हाँ देख लो क्या है फिर देख लो ये लॉट लॉट के फॉर्म में आंसर है इसके लिए क्या आता है ये लॉट ऑफ वी स्क्वेयर प्लस टू वी माइनस वन इक्वल टू माइनस टू इंटू लॉट एक्स प्लस लॉट कितना आता है ये लॉट ऑफ वी स्क्वेयर वी यानी वॉट वाई बाई एक्स आता ना वी यानी क्या ये वाई बाई एक्स आता है ना वाई बाई एक्स यानी वॉट इधर आके माइनस एक्स स्क्वेयर यानी ये माइनस यानी प्लस आता है ना वाई बाई एक्स होल स्क्वेयर प्लस टू वाई बाई एक्स माइनस वन ये इधर आके प्लस प्लस यानी इनटू में क्या होता है एक्स स्क्वेयर होता इक्वल टू लॉग सी यानी व्हाट एक्स स्क्वेयर के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वेयर से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है तो ये माइनस वगैरह कॉमन लेने के बाद यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो वी स्क्वेयर प्लस टू वी माइनस वन तो क्या आता है वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई माइनस क्या है एक्स स्क्वेयर है कैंसिल होता है अंदर आने के बाद कैंसिल होता है यानी वॉट सी आता ये क्या है कि माइनस से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल सी वॉट में है मल्टीप्लाई करके तुम ऐसा ले सकते ऑप्शन नंबर डी।